स्टूडेंट्स तुहाडे लई लैके आए सैवंथ क्लास की इंग्लिश का फस्ट लैसन रेंट फॉर वाटर। ठीक है, पानी उपर किराया। आओ इनू आप सॉल्व करते हैं पूरा। फस्ट हैगा है वर्ड मीनिंग, पंजाबी लिखनी है। आर्ग्यूइंग बहस करना, ड्रॉ बाहर क्ढना, बोइंग झुकना, प्लीड बेनती करनी, जस्टिस नया। हाँ जी आओ करते हैं। जी अगे हैगा सेकेंड हैगा इंसर्ट इंस्टीड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस वेयर एवर नीडेड। ठीक है, इंस्टीड वर्ड आपां विच ऐड करना है जिथे भी जरूरत है। इंस्टीड का मतलब होंदा है बजाए, मतलब इस दी बजाए, इस तो बिना, मतलब इस तरह भी यूज कर सकते हैं मतलब। ठीक है ना। फर्स्ट हैगा टूडे अज आई विल हैव बटर जैम ऑन माई ब्रैड। कहिंदे अज मैं जैम बटर जैम बटर यूज़ किया ब्रैड के उत्ते जैम की जगह। ठीक है, आप हूँ इनू बनाना है। आंसर की लिखना टूडे आई विल हैव बटर ऑन माई ब्रैड, बटर लगाया इंस्टीड ऑफ जैम। ठीक है, जैम दी तो दी बजाए मैं अज बटर लगाया। नैक्सट है बाई मिसटेक, गलती नाल साहिब वेंट टू रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट टू पिक अप हिज फ्रेंड। ठीक है, साहिब की किया कहते रेलवे स्टेशन पहुँच गए, एयरपोर्ट जाना सी मतलब अपने फ्रेंड को पिकअप करने लई। हुण आपां किदां लिखांगे, बाय मिसटेक साहिब वेंट टू रेलवे स्टेशन इंस्टीड ऑफ एयरपोर्ट टू पिकअप हिज फ्रेंड्स। ठीक है, रेलवे स्टेशन पहुँच गए इंस्टीड ऑफ एयरपोर्ट, किवें लिखांगे दा भी एयरपोर्ट जाने की बजाए उस रेलवे स्टेशन पहुँच गए अपने फ्रेंड को पिक करने लई। नैक्सट आ गया आई वॉन्ट टू बाय सैमसंग मोबाइल एप्पल। ठीक है, हुण इहदे विच इहदा किद्दां बनावांगे, आई वॉन्ट टू बाय सैमसंग मोबाइल इंस्टीड ऑफ एप्पल। मैं कहिंदे सैमसंग दा मोबाइल खरीदना चाहुंदा हाँ एप्पल दी बजाए। ठीक है, आई रोर ब्लू शॉक्स रैड। ठीक है, इंस्टीड लगावांगे आई रोर ब्लू शॉक्स इंस्टीड ऑफ रैड। मैं नीले रंग दियां शॉक्स पाइया ने जुराबां रैड दी बजाए। ओके, रजिंदर हैड फ्रैश क्रीम कस्टर्ड, रजिंदर हैड फ्रैश क्रीम, रजिंदर को फ्रैश क्रीम है इंस्टीड ऑफ कस्टर्ड। ठीक है, कस्टर्ड की बजाय फ्रैश क्रीम है। ओके, नैक्सट आ गया क्वेश्चन आंसर आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन हैगा वाई डिड द फार्मर बाय द बैल, फार्मर ने खूह नू क्यों खरीदया सी। द फार्मर बॉट द बैल टू वाटर हिज फील्ड, फार्मर ने अपने खेतों नू पानी देने लई खूह खरीदया सी। दूसरा क्वेश्चन हैगा Who did he buy it from? उन्हें किस तो खरीदया सी। He bought it from his neighbor. उसने अपने एक गुआंढ़ी तो खरीदया सी। What was the argument between the farmer and his neighbor about? Farmer ते neighbor गुआंढ़ी के विचकार की argument होया। इहदा आंसर है the farmer is neighbor did not allow him to draw water. Farmer दा जिहड़ा neighbor सी ओ उसनू पानी बाहर क्ढन आग्ञा नहीं दे रहा सी। ठीक है, अलाउ नहीं कर रहा सी, डिड नॉट अलाउ हिम टू ड्रॉ वाटर सेइंग कि ते कह रहा सी दैट कि ही सोल्ड द वैल नॉट इट्स वाटर। ठीक है, उसने खूह बेचा है ना कि इसका पानी। ठीक है, द फार्मर इज नेबर डिड नॉट अलाउ हिम टू ड्रॉ वाटर सेइंग दैट ही सोल्ड द वैल नॉट इट्स वाटर। फोर्थ क्वेश्चन है वेयर डिड दे गो टू सॉल्व द इशू, वो इस इशू नू सॉल्व करवाने लिए किस कोल गए। दे वेंट टू द कोर्ट ऑफ किंग कृष्ण देव राय, वो इस नू सॉल्व कराने लिए कोर्ट विच गए राजा कृष्ण देव राय को। ठीक है, उदी अदालत विच गए। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द किंग डू टू सॉल्व देयर केस, किंग ने केस नू सॉल्व करने लिए की किया। He handed the case to Tenali Raman. उन्हें यह केस नू किनू दे दिता, Tenali Raman नू दे दिता, the wisest minister of the court to solve it. जुड़ा कि उदी कोर्ट दा सब तो स्याणा बंदा सी। ठीक है, अगला है सिक्स्थ क्वेश्चन How did Tenali Raman solve the case? Tenali Raman ने इस केस नू किदा सॉल्व किया। He told the neighbor of the farmer to pay rent to the farmer for keeping water in his well. उसने कहा कि उन्हें ही टोल्ड द नेबर, उसने नेबर नू कहा जोड़ा उसका गुआंढ़ी सी
ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਰੀਡ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਟ ਫੋਲੋ। ਦ ਫਾਰਮਰ ਬੋਟ ਦਾ ਵੈਲ ਸੋ ਦੈਟ ਹੀ ਕੁੱਡ ਵਾਟਰ ਹਿਜ ਫੀਲਡ। ਹੂ ਇਜ਼ ਹੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ? ਫਾਰਮਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਖੂਹ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਕੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਸੋਲਡ ਯੂ ਦਾ ਵੈਲ ਨੋਟ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟ ਡਰੋਅ ਦਾ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਇਟ। ਵਟ ਡਜ਼ ਇਟ ਮੀਨ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਟ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਵੈਲ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਦੇ ਵੈਂਟ ਟੂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਕਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰੋਏ। ਹੂ ਇਜ਼ ਦੇ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ? ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਐਂਡ ਦਾ ਮੈਨ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਹਿਜ਼ ਨੇਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਨੇਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪਲੇਨ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਕਿੰਗਡਮ। ਹੂ ਇਜ਼ ਹੀ? ਹੂ ਇਜ਼ ਹੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ? ਕੌਣ ਸੀ ਹੀ? ਕਿੰਗ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਰੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ। ਫਿਫਥ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਈ ਬੋਟ ਏ ਵੈਲ ਫਰੋਮ ਹਿਮ ਟੂ ਵਾਟਰ ਮਾਈ ਫੀਲਡ। ਹੂ ਇਜ਼ ਹਿਮ? ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਇਜ਼ ਨੇਬਰ। ਆਈ ਬੋਟ ਏ ਵੈਲ ਫਰੋਮ ਹਿਮ ਟੂ ਵਾਟਰ ਮਾਈ ਫੀਲਡ। ਹੂ ਇਜ਼ ਹਿਮ? ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਰੀਡ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਟੋਰੀ, ਆਨਸਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਟ ਫੋਲੋ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਬਲੈਂਕਸ। ਦੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਟੇਕ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਟੂ ਦਾ ਕਿੰਗ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਗ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਸੀ? ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਵਾਟਰ ਆਫ ਦਾ ਵੈਲ, ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਯੂ ਲੁਕਿੰਗ ਸੈਡ? ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਹੂ ਵਾਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਸੈਡ ਐਂਡ ਵਾਈ? ਕੌਣ ਉਦਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? ਦ ਫਾਰਮਰ ਵਾਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਸੈਡ ਐਜ਼ ਹਿਜ਼ ਨੇਬਰ ਡਿਡ ਨੋਟ ਅਲਾਓ ਹਿਮ ਟੂ ਡਰੋਅ ਦਾ ਵਾਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵੈਲ। ਫਾਰਮਰ ਉਦਾਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਬਰ ਸੀ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਜਸਟਿਸ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯੂਅਰ ਮਾਈਜੈਸਟੀ। ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਇਜ਼ ਆਰਗੂਮੈਂਟ? ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀ ਸੀ? ਹਿਜ਼ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪੋਸੈਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਵੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦਾ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਤੇਨਾਲੀ ਰਮਨ ਹੈਡ ਸੋਲਵਡ ਹਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਹਾਊ ਡਿਡ ਤੇਨਾਲੀ ਰਮਨ ਸੋਲਵ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ? ਹੀ ਟੋਲਡ ਦਾ ਨੇਬਰ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮਰ, ਉਸਨੇ ਨੇਬਰ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਟੂ ਪੇ ਦਾ ਰੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਕੀਪਿੰਗ ਵਾਟਰ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਵੈਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਉ ਜੋ ਇਸਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੀ ਈਵਨ ਟੋਲਡ ਦਾ ਨੇਬਰ ਟੂ ਗਿਵ ਟੂ ਗੋਲਡ ਕੋਇਨ ਐਜ਼ ਰੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮਰ। ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖਣ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਰੀਡ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਲੋ ਐਂਡ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਊਨ ਐਂਡ ਇਨ ਸਰਕਲ ਦਾ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾਊਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਊਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾਊਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜੋ ਆਪਾਂ ਭਾਵਨਾ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਊਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਫੈਲਟ ਪੇਨ, ਪੇਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾਊਨ। ਸਰਜਨ ਐਂਡ ਸਟਿਚਸ, ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਊਨ। ਆਈ ਫੈਲ ਇਨ ਲਵ, ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾਊਨ। ਪੱਪੀ, ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਊਨ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਬਲੋ ਟੂ ਬੋਕਸਿਸ, ਦੋ ਬੋਕਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਚ ਦਾ ਵਰਡ ਇਨ ਵਨ ਬੋਕਸ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ, ਮਤਲਬ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਤਲਬ ਇਕੱਠਾ, ਇਕੱਠ ਨਾਊਨ, ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਨਾਊਨ ਮਤਲਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ, ਆਰਮੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਐਨ ਆਰਮੀ ਆਫ ਸੋਲਜਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਜਰਸ ਦੀ ਆਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ए बुके ऑफ फ्लावर्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए कंपनी ऑफ एक्टर्स, ए कलोनी ऑफ फ्रॉग्स, ए डेक ऑफ कार्ड्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए फ्लॉक ऑफ शिप्स, ए हर्ड ऑफ कैटल्स, ए लॉन्च ऑफ लिजर्ड्स, ए पैक ऑफ वॉल्व्स, ए स्वर्म ऑफ बीज, ए लिटर ऑफ रैबिट्स, ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, ए प्राइड ऑफ लाइन्स, ए स्कूल ऑफ डिश फिश सॉरी। ठीक है बच्चे, इनू कर लेना है तुसी। इस तो अगला हैगा यू विल मार्क द सीक्वेंस इन स्पेस गिवन आफ्टर ईच सेंटेंस। ठीक है बच्चे, ये भी तुसी कर लेना है, ये मैं सॉल्व किया हुआ है, तुसी कर सकते हो अपनी कापी उपर। ते नेक्स्ट आ गई अपनी एक्टिविटी। हुण देखो तुसी, ये पिक्चर है, इहदे बारे आपां सेंटेंसिस लिखने हैं। ठीक है, ये आपां नूं पार्क दिख रहा है, इहदे बारे सेंटेंसिस लिखने हैं। आओ करदे हां। फस्ट हैगा दिस इज़ ए लवली पार्क, ये बहुत सुंदर पार्क है। देयर आर टू टाल ट्रीज एंड ग्रीन लीव्स, इत्थे दो लंबे दरख्त हैं अते ग्रीन पत्ते हैं। नीयर दैम देयर आर सम लिटल प्लांट्स एंड समॉल ट्रीज, इस दे नाल ही इत्थे नेड़े इत्थे की ने छोटे छोटे प्लांट्स ने ते समॉल ट्रीज भी ने। मैनी चिल्ड्रन्स हैव केम, इत्थे बहुत सारे बच्चे आए हुए ने। दे आर हैविंग फन इन देयर ओन वे, वो अपना इत्थे फन कर रहे हैं अपने ही तरीके नाल। सम आर प्लेइंग, कुछ खेड रहे हैं। ए चाइल्ड इज वॉकिंग विद हिज फादर, एक चाइल्ड अपने पिता जी नाल जा रहा है। टू गर्ल्स आर गोइंग अप एंड डाउन ऑन द सीसा, दो गर्ल्स सीसा उपर खेल रही हैं। सम बॉयज़ आर इंजॉइंग देमसेल्व्स ऑन द स्लाइडर, कुछ लड़के स्लाइडर दे खेल रहे हैं। द वैदर इज़ फाइन, वैदर मौसम बहुत सुहावना है। सम क्लाउड्स आर सेलिंग इन द स्काई, द सीन इज़ लाइवली एंड फ्रैश। ठीक है, कहते सीन बहुत ही लाइव मतलब जिंदादायक लाइवली तो फ्रैश है। ठीक है, कुछ क्लाउड्स भी ने आसमान दे विच। तो ये तुसी खुद बनाने हुंदी है सेंटेंस, तुहानू आइडिया है, इस तरह तुसी कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इदां दा भी पेपर चांदा है। नैक्सट आ गया स्टडी द फॉलोइंग रोड मैप, नू स्टडी करना है। गिव डायरेक्शन टू द नानिका स्टैंडिंग ऑन द पाम कोर्ट साइड एंड लिंक रोड टू रीच द गोरेगांव रेलवे स्टेशन। ठीक है, वो कित्थे खड़ी है ते उनू डायरेक्शन देनियां ने आपां पाम कोट दे विच, ते उन्हें मेन रोड ते जाना है। आपां दीयां डायरेक्शन दे दित्तियां नू। ठीक है, तुसी इहनू देखो, टेक द लिंक रोड, फॉलो इट आंटिल यू कम टू द चिंचौली बांडर रोड। कहिंदे इहनू फॉलो करदे रहो लिंक रोड नू जिन्नी देर चिंचौली बांडर रोड ते नहीं पहुँच जाते। नाउ टर्न द लैफ्ट एंड दैन अगेन टू राइट। ठीक है, लैफ्ट करो, लैफ्ट लो ते फिर सब अगे राइट पासे जाते रहो। यू कैन सी द फ्लाईओवर ब्रिज आउट इन द डिस्टेंस, फ्लाईओवर ब्रिज दिखेगा। वंस यू हैव क्रॉसड इट, जदों तुसी इस नू क्रॉस करोगे यू विल बी इन द गोरेगांव रेलवे स्टेशन, फिर तुसी गोरेगांव रेलवे स्टेशन पहुँच जाओगे। बच्चे तुहाडा पूरा फस्ट लैसन सी, ये तुहाडा कंप्लीट कर दिता। ठीक है, तुसी इस नू अपनी कॉपी सॉरी बुक उपर नोट डाउन करो ता कि तुसी अच्छे तरह पेपर टाइम इसनों स्टडी कर सको। इस वीडियो नू ध्यान नाल देखो, बार बार देखो ता कि तुसी इसनों चंगी तरह याद भी हो जाए तुहाडे। ठीक है बच्चो, अपने फ्रेंड्स नाल ये वीडियो शेयर करो, तुहानू अगे भी इस तरह दी वीडियोज़ होर भी पावांगे सारा बुक तुहाडी सॉल्व करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ते चैनल नू जरूर सबसक्राइब करो जिन्ना ने नहीं किया, ते वीडियो चंगी लगी होवे ता प्लीज़ लाइक भी करो। थैंक यू सो मच।